गुलबर्गा में माइक्रो फाइनेंस यानी संघ के खिलाफ एक ऐसा हिस्टोरिकल प्रोटेस्ट हुआ जिसमें न सिर्फ गुलबर्गा बल्कि सेडम, शाहबाद, वाड़ी, चितापुर, अलंद और दीगर आसपास के तालुकों और देहातों से खवातीन शिरकत कर इस एहतजाज को कामयाब बनाई है। जैसे कि आप जानते हैं, कुछ दिनों से गुलबर्गा में माइक्रो फाइनेंस की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट और मेंटली हरासमेंट के खिलाफ सोशल एक्टिविस्ट नूरुद्दीन जनता परिवार से सिरा शाब्दी, गुलबर्गा हेडलाइन से वसीम शेख, WPI मुबीन अहमद, इंडिया बैतुल माल से इकबाल अली, मौलाना हुसैन रजवी, दलित सेना से अशरफ अली, सोशल वर्कर फेरोज खान, अजहर मुबारक, मोहसिन अहमद, खालिद अबरार और दीगर ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारों ने मिलकर एक मुहिम का आगाज किया था, जिसके जरिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, रिकवरी एजेंट और संघ की ग्रुप लीडर के खिलाफ लीगल कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन की मांग करते हुए एहतजाज का ऐलान किया गया था। कल यानी 30 अक्टूबर को हुए इस एहतजाज में माइक्रो फाइनेंस से परेशान सभी खवातीन शिरकत कर इनके साथ हो रहे जुल्म और बर्बरियत को बयां कर मदद की गुजारिश करते देखी गई हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, हजारों की तादाद में खवातीन यहां जमा हुई थी जो माइक्रो फाइनेंस यानी संघ के जरिए कर्ज लेकर परेशान हुई हैं। आपको बता दूं, शहर के हर गली मोहल्लों में गरीब खवातीन अपनी परेशानियों को दूर करने माइक्रो फाइनेंस से कर्ज ले चुकी हैं और पूरी पाबंदी से इंस्टॉलमेंट भरती आ रही हैं। लेकिन इनसे इंस्टॉलमेंट पे करने में अगर एक दिन भी लेट होता है तो रिकवरी एजेंट और ग्रुप लीडर घरों तक आकर इनके साथ बदसलूकी करते हैं और गंदी गंदी गालियां देते नजर आते हैं। और कई ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जिसमें इंस्टॉलमेंट पे न करने पर गरीब मजबूर खवातीनों को अपना जिस्म बेचकर पैसा देने पर मजबूर किया जाता है और कुछ खवातीन इनसे परेशान होकर सुसाइड कर चुकी हैं। और हाल ही में एक खातून सुसाइड करने की कोशिश की जिसको वक्त पर हॉस्पिटल ले जाकर जान बचाई गई है। इस एहतजाज के जरिए ऑल ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारों ने गुलबर्गा DC और पुलिस कमिश्नर को मेमोरेंडम के जरिए सभी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाकर मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के जरिए रिकवरी एजेंट और संघ की ग्रुप लीडर्स के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा किया है। और साथ ही इस एहतजाज में आई सभी खवातीनों से कहा गया, जब तक मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन कर सेक्स रैकेट चलाने वाले और सुसाइड करने पर मजबूर करने वालों को जेलों में नहीं डाला जाता, कोई भी संघ वालों को एक रुपया नहीं भरेगा। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के जिम्मेदार इंस्टॉलमेंट न भरने पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं पर घरों तक जाकर हरासमेंट नहीं कर सकते। अगर आज के बाद कोई भी रिकवरी एजेंट या ग्रुप लीडर्स किसी भी महिला को परेशान करते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर एक्शन लिया जाएगा। इस एहतजाज के सपोर्ट में कई ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदार और सोशल एक्टिविस्ट भी मौजूद थे जिसमें सलीम मौलाना, हारून खदीब, जावेद पटेल, मोइनुद्दीन अब्दुल रऊफ, सद्दाम मद्रासी, मोहम्मद गौ, शबाना खान, नुसरत जहां, अमीना बी नाज और कई सोशल वर्कर मर्द और खवातीन इस एहतजाज में शामिल थे। अगर किसी भी खवातीन को माइक्रो फाइनेंस यानी संघ के नाम पर परेशान किया जा रहा है तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, उनकी पूरी तरह से मदद की जाएगी। माइक्रो फाइनेंस ये जो मैम, ये जो माइक्रो फाइनेंस वाले हैं ना, महिलाओं को बिना कोई श्योरिटी के लोन दे रहे हैं। लोन देने के बाद जब वो लोग परेशान होते हैं इंस्टॉलमेंट भरने के लिए, माइक्रो फाइनेंस SKS माइक्रो, फिर एलएम की करी रही, लीड बैंकर की करी रही, संघ की जो लेडीज हैं उनके ऊपर जो जुल्म हुआ था उसके खिलाफ ये जो है ना यहाँ पे जो है कि एहतजाज रखा गया था। कमिश्नर साहब को और फौजिया तरन्नुम मैडम को हमने जो है ना मोरेंडम यहाँ पे दिया है, हमारे जो है ना तकलीफ का इजहार किया है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूँ कि फौरन जो है ना ये लेडीज को आप सपोर्ट करिए, हेल्प करिए, क्योंकि हर घर इसमें इतना परेशान है। जो संघ की जो हरकत चली हुई है हर जगह, जो ये जुल्म चला हुआ है, क्योंकि आप ये जितना जुल्म दे रहे हैं कानून तुम्हारे बाप की जागीर ही नहीं है, ये मत समझो कि कोई पूछने वाला नहीं है। आज के बाद कोई संघ का सर जो है ना घरों में आएगा नहीं, ना किसी को कॉन्टेक्ट करेगा। अगर किसी को कॉन्टेक्ट करता है तो उसके ऊपर फौरन एक्शन लिया जाएगा, या तो कानून की तरफ से या तो एरे वालों की तरफ से। इतने ओवर काम कर चुके हैं ये लोग जो हमारे जो है ना बताने में भी जो है ना शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि कोई भी जो है ना संघ को टोटल में ना भरे, अगर कोई ज्यादती करता है तो पास के पॉलिटिशियन में उसके नाम से जो है ना कंप्लेंट करे। RBI जी के गाइडलाइंस है माइक्रो फाइनेंस को, माइक्रो फाइनेंस को ये गाइडलाइंस दिए कि आप कोई भी ऑफिसर्स को, रिकवरी ऑफिसर्स को शाम में 7 बजे से सुबह 6 बजे तक ना वो घर पे जाएगा, ना फोन करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो ये माइक्रो फाइनेंस के जो ऑफिसर्स है वो लोग रात में 10, 11, 12 बजे जा रहे हैं, तो ये सीधा सीधा वॉयलेशन ऑफ RBI गाइडलाइंस। तो ये बताता है कि यहाँ पे कितनी जरूरी थी ये इशू को रिप्रेजेंट करना। और ये साथ ही साथ जो ग्रुप लीडर्स है, ग्रुप लीडर को भी मैं मीडिया के माध्यम से वार्निंग दे रहा हूँ। मैं ये तो जो पुराने ग्रुप लीडर जो जुल्म कर रहे हैं उनके ऊपर तो FIR लिस्ट हम दे दिए, और जो नए ग्रुप लीडर जो अब उड़कर आ रहे, जो संघ चलाने लीडर बनने जा रहे, उनको हम लोग वार्निंग दे रहे हैं।
कि अगर आप ये हरकत करेंगे, संघ को एंटरटेन करेंगे, ग्रुप लीडर बनेंगे, तो हम 1 रुपए की मुरव्वत नहीं रखेंगे, आपके ऊपर भी एफआईआर करेंगे। ये वार्निंग है खुला खुला, क्योंकि आप घटिया लोगों की वजह से आज पूरे औरतों को रोड पर उतारना पड़ा। कि आपको अगर ग्रुप लीडर और आपको अगर संघ का कोई माइक्रो फाइनेंसर आकर परेशान कर रहा, वो लोग रूल्स तोड़ रहे, तो तुम भी रूल्स के ये करो और जूता निकाल के चप्पल निकाल को मारो। बोले हम लोग उनके साथ है और बराबर बराबर ठहरेंगे इसके साथ। माइक्रो फाइनेंस जो संघ के नाम पर हर गली, हर शहर, हर मोहल्लों में एक फितना फैला हुआ है संघ के नाम से, इसकी जो है महिलाओं को इसका शिकार बनाया जा रहा है। तो मैं यहाँ पर ये जो आज एहतजाज यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया था, इसका मकसद ये था कि जितनी भी खवातीन संघ से पैसा ली हैं, उसमें से कुछ लोग भरने की ताकत रखते हैं, वो लोग भर रहे हैं। जो लोग भरने की ताकत नहीं रखते, ऐसे ख़वातीनों को टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली उनको जो है ना हैरेसमेंट किया जा रहा है। किस तरह से आप देखिए कि ये लोग जब पैसा नहीं भर सकते, तो माइक्रो फाइनेंस जो संघ चला रहे हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, जो अनरजिस्टर्ड हैं, उनके ऊपर तो एफआईआर होना चाहिए, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जो रजिस्टर्ड हैं उनके ऊपर आरबीआई के गाइडेंस हैं कि वो लोग घरों तक जाकर जो है हैरेसमेंट करके अपना इंस्टॉलमेंट नहीं मांग सकते हैं। अगर कोई नहीं भर रहा है तो उसके ऊपर आप लोग कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, उनको नोटिस भेज सकते हैं। आप लोगों के ऊपर भी कानून है, आपको भी पूछने वाले हैं। जो ये खवातीन हैं, ये लोग अनएजुकेटेड हैं, इनको कानून नहीं मालूम। इन लोगों को इस तरह से डराया जा रहा है कि अगर आप संघ का पैसा नहीं भरेंगी तो आपका आधार कार्ड बंद होगा, राशन कार्ड बंद होगा, आपको राशन नहीं मिलेगा, आपके बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं आएंगे, और दीगर कई धमकियाँ उनको दी जा रही हैं। और साथ ही यहाँ पर कुछ ऐसे भी जो फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस के जो रिकवरी एजेंट हैं, और ख़ासकर जो हर मोहल्लों में जो ग्रुप के लीडर्स बनकर जो ख़वातीन बैठे हुए हैं, मैं उनको इस वीडियो के ज़रिए वार्न करना चाहता हूं कि आप लोग जिस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं, उस पर बाज आइए, वरना आप लोगों के ख़िलाफ़ तो यहां पर कंप्लेंट दी गई है। आप लोगों के ऊपर एफआईआर होने तक हम छोड़ेंगे नहीं। दूसरी चीज़, आने वाले दिनों में तमाम महिलाओं से ये गुजारिश की जाती है कि नए संघ जो भी अगर महल्ले में बिठा रहे हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जो नंबर्स दिए गए हैं उस पर कॉल करके हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। और जो भी यहाँ पर अब तक संघ का पैसा नहीं भर सकते हैं, उनको हम कहना चाह रहे हैं कि आज से 1 रुपया भी आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक यहाँ पर पुलिस कमिश्नर और डीसी ये तमाम माइक्रो फाइनेंस वालों को बुलाकर स्ट्रिक्टली वार्न नहीं करेंगे, तब तक इसका मसला हल नहीं होगा। एक बात ये कहना चाहता हूँ कि माइक्रो फाइनेंस के जरिए जो महिलाओं को लोन दिया जाता है, किस बेसिस पे लोन देते हैं? क्योंकि एक मर्द आदमी अगर लोन पूछने जाता है बैंक को, तो उसको इनकम प्रूफ देना है, उसको स्टेटमेंट देना है, उसको कोलैटरल देना है, उसको बैंक प्रूफ देना है, सारे चीज़ देने के बाद भी लोन नहीं दिया जाता है। महिलाओं को बिना इनकम प्रूफ के लोन दिया जा रहा है। ये लोन देके उनके ऊपर हरासमेंट की जा रही है। अगर लोन नहीं भरे तो उनको सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा है, प्रोस्टिट्यूशन के जरिए उनको फंसाया जा रहा है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। हमारी ये डिमांड है, ये जो माइक्रो फाइनेंस के जरिए जो लोन दिया जा रहा है, उनको बंद करे। हाथ जोड़ के बोलता हूँ, पूरे लेडीज को डरने की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड ब्लॉक करते, वो ब्लॉक करते, स्कॉलरशिप ब्लॉक करते, ये सब कुछ भी नहीं होता। हिम्मत करो, हिम्मत से चलो, और जो भी है, एक एक जने क्या है बोलते, हम भरते बोल रहे ना, तो ख्वाहिश है ना भरने के भी, तुम लिए ना, ठीक है भरो, नहीं बोल के नहीं बोलते, दूसरों को प्रेशर ना करो। और जो ऐसे यहाँ पे डीसी मैडम होने, कमिश्नर मैडम होने, जो भी है, फाइनेंस माफ करो बोल के न्याय हम टोटली बंद करो। यहाँ से माफ कर लेके दूसरे गांव में जाके, वहाँ जाके, यहाँ जाके क्या बोलते, 4 औरतों को बिठा के मेरे को फिर कम पड़ेगी, हमारे देवल को बोलना नहीं बैठना। अभी जस्ट एक मेरे भाई क्या बोले, आदमियों को दियो, औरतों के 4 जमा करो, उस आदमी जमा करो 4, एक एक पकड़ लड़ लेते, मर लेते, रोड पे लेकर आते, जो भी करना करते। बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट था जो है ना, आजू बाजू तालुके से भी पूरी आवाम लेडीज जय सब आ गए थे। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं रखा गया, ये प्रोटेस्ट हिंदू कम्युनिटी के भी रखा गया है, हर कम्युनिटी के लोग को रखा गया है। ये मैं आपके प्रोटेस्ट से जो है ना ये कहना चाहता हूँ, संघ का जो कारोबार चल रहा है, ये संघ का जो बिजनेस चल रहा है, इसको सरासर पूरा बाइकआउट कर दियो, इसको जो है ना पूरा टोटली ख़त्म कर दियो। तो हमारे लेडीज़ को जो संघ देकर जो हरेसमेंट कर रहे हैं संघ वाले, इन पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, और जो भी ऑफिसर्स और जो भी लोग इसमें हैं, हम उनसे रिक्वेस्टली कह रहे हैं कि ये बंद कीजिए। सुबह 10 बजे से शाम 10 बजे तक बैठते, अगर किसी के पास पैसे अरेंज नहीं हो रहे तो। एक गरीब औरत घर का काम करती मालूम है, और वो लोग पैसे नहीं भर सकते ये भी मालूम है, फिर उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर 5% देने की ज़रूरत क्या है, इसका मकसद क्या है? जब आदमियां जब कमाने जाते तो उनका नहीं चलता, संघ में सिर्फ औरतों का चलता बोल के बोल रहे, तो इसका मकसद क्या है? आप लोगों को सीधा सीधा समझ जाना चाहिए। आज से हम ये कंडम करते हैं कि जो संघ लिए हैं वो पूरा पैसा माफ़ होना, नेक्स्ट कार्रवाई संघ की सर्विस ही नहीं होना। इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में इतना करके खामोश नहीं बैठेंगे। अगर कहीं भी संघ चल रहा, कुछ भी हो रहा, इन्फॉर्मेशन मिली तो हम इसको रोकने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे।